हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। तो मेरे पास दो तरह का डेटा है। अभी प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम मेरे स्टूडेंट की है, समझिए। उनके पास एक डेटा है जिसमें ए आईडी नंबर होता है, जिसमें स्लैश ए लगा रहता है, और फिर दूसरा हमारे पास आता है आईडी नंबर जिसमें स्लैश दूसरी डेटा आती है, अगले दिन जो डेटा आती है उसमें भी सेम होता है। तो आपने देखा है कि 1 से 15 तक आया और दूसरा फिर 16 से 31 तक आया, लेकिन बीच बीच में कुछ अपडेट्स आए, जैसे 5/B, 7/B, 10/B। तो यही एक प्रॉब्लम है कि इस डेटा को कॉपी करके मुझे पहले डेटा पे अपडेट करना है, मतलब कि 5A जो था ये रिवाइज होके 5B आया है, तो मुझे इस पे 5B का डेटा 5B डालना है। और यहाँ पे जो 5B के जो अपडेट आए हैं यहाँ पे रवि 45, 76, 29, वो यहाँ पे हमें ऐड करना। और इसको मैनुअली नहीं करना चाहते हैं, कुछ और तरीके से चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके पास लेटेस्ट एक्सेल होना चाहिए, क्योंकि इसके लिए चाहिए यूनिक का फॉर्मूला। उसके बाद डेटा मेनू बार के अंदर हम इसमें मर्ज क्यूरी जो होता है, कंबाइंड क्यूरी, इसमें जो अपेंड क्यूरी होती है, इसके इस्तेमाल करके इन दोनों डेटा को कंबाइन करें। तो कैसे, तो यहीं पे आते हैं, फ्रॉम अदर सोर्सेस, फ्रॉम टेबल। अगर डिफरेंट फाइल है तो फ्रॉम फाइल पे चले जाइए, बट यहाँ डिफरेंट फाइल नहीं है, डिफरेंट टेबल है, तो यहाँ पे हम डिफरेंट टेबल पे, मतलब डिफरेंट डेटा रेंज पे जाएंगे। पहले डेटा रेंज पे जाएंगे और जाने के बाद, लेकिन उससे पहले उस डेटा पे आना पड़ेगा कि पहले डेटा पे जाएंगे और यहाँ फ्रॉम टेबल रेंज को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके पावर क्यूरी में चला जाएगा। और यहाँ लोड टू ना करके लोड एंड क्लोज टू करना है, लोड एंड क्लोज टू, एंड ओनली क्रिएट कनेक्शन, ओनली क्रिएट कनेक्शन, सिर्फ इसी को करना है। और इसी प्रोसेस को हमें फॉलो करना है दूसरे सीट के लिए भी। तो यही पे फ्रॉम टेबल, और फिर यहां भी क्लोज लोड एंड क्लोज, और क्रिएट ओनली कनेक्शन। यहां देखिएगा, एक क्रिएट ओनली कनेक्शन जरूरी है, वरना दोनों डेटा आ जाएगा इकट्ठा आपके पास। उसके बाद कंबाइंड क्वेरी में हम यहां अपेंड क्वेरी को यूज करेंगे, और थ्री टेबल वन मोर देन वन टेबल टू टेबल है, इसको टेबल वन और टेबल टू का सिक्वेंस करके और ओके करके इसको जो है क्लोज एंड लोड करना है, क्लोज टू नहीं करना है, अपेंड वाले को। तो एक अलग सीट पे आपका दोनों डेटा, जो डेटा वन और डेटा टू, एक के साथ नीचे कंबाइन होके आ जाएगा, पहली चीज। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है कि रिपीट है, देखिए 10B यहाँ भी है और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ भी आपको 10A दिखेगा, बट मुझे 10A को नहीं रखना है, मुझे जस्ट 10B को रखना है, ओनली फॉर 10B को, 10A को नहीं रखना है। तो यहां आप लगा सकते हैं फॉर्मूला फिल्टर का। फिल्टर फॉर्मूला में हमने सिलेक्ट कर लिया पूरी की पूरी डेटा को, और इसके बाद इसमें आता है इंक्लूड। इंक्लूड में हमने इसको सिलेक्ट किया, इक्वल टू हमने इसमें यहां बी कर दिया, और यहाँ एंटर प्रेस करते हैं। ऐसी की प्रॉब्लम आ गई। ओके, तो यहाँ पे दूसरे तरीके से लगाते हैं फिल्टर, A1 से लेके E30, एक ऐसे रेंज दे दीजिए, देन इंक्लूड में आएगा A1 से लेके A30 इक्वल टू, और इन्वर्टेड कॉमा में मैंने दे दिया बी। बट ये तो सिर्फ बी वाले आएंगे, फिर ए वाले तो आएगा नहीं।
फिल्टर फॉर्मूला से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो चलिए कुछ और देते हैं। तो यहां हम देते हैं यूनिक फॉर्मूला, लगाते हैं यूनिक। यूनिक में मैं यहाँ A1 से A30 टाइप कर देता हूँ, तो यूनिक हमें दे देगा। बट यूनिक में भी रिपीट आ रहा है, तो यूनिक में यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला लेफ्ट का। लेफ्ट फॉर्मूला में बोलेंगे कि इसकी जो कंप्लीट लेंथ है, जबकि A1 से A30 की जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से -1 कर दो, और फिर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे। तो देखेंगे कि आप यहाँ 10 ये आया, अब दूसरा 10 स्लैश नहीं आएगा, क्योंकि जब ए और बी हट जाएगा तो इसमें से 10, दो 10 रिपीट होगा। सिंपल सा, अब यहाँ हम सिंपल सा वी लुकअप लगा लेंगे। वी लुकअप यहाँ पे, बाकी आईडी नेम वगैरह यहाँ पे डाल देते हैं। आईडी का सिर्फ आई लिया इसने, हालांकि हमें A1 से सिलेक्ट नहीं करना चाहिए था, A2 से करना चाहिए था। यहाँ पे कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ वी लुकअप यहाँ पे इन इनडायरेक्ट के अंदर लगाएंगे, कि इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं, माफ कीजिएगा, इफ एरर। हाँ, इफ एरर, इफ एरर, उसमें हम यहाँ पे वी लुकअप, वी लुकअप में लुकअप वैल्यू इसको सेलेक्ट करके हम इन्वर्टेड कॉमा में देंगे बी, कि पहले बी को सर्च करो कहाँ, ए से लेके सी में। अगर बी नहीं आता है तो हम फिर ए वाले पे करेंगे, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे क्लोज किया, और यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मैच। और इसी वी लुकअप को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉमा करके एक और यहाँ लगा देते हैं, और बी के जगह यहाँ पे ए करते हैं, और फिर एंटर प्रेस करते हैं और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि आपको दोनों डेटा में जो बी वाला डेटा है वो आया। देखिए, यहाँ देखिए 10 B आया, 10 A नहीं आया, 10 B आया, 10 A नहीं आया, आप सिंपल से यहाँ देख सकते हैं। और ऐसे ही आपका यहाँ पे 5 B आया, 7 B आया। अब कल के डेट में डेटा चेंज होगा, दूसरा डेटा आएगा। मान लीजिए कि इस पे इस बार दूसरा डेटा आया, अब इस डेटा को उठाइए, इसको कॉपी कीजिए और पूरे डेटा को जहां डालना है आप पूरे डेटा अपने हिसाब से इस पूरे डेटा को डाल दीजिए। फिर कल के डेट में डेटा आएगा तो सेम इसी तरह से कर सकते हैं इसको भी आप। जी, बस यहाँ यूनिक के अंदर जो 30 है उसको डालिए। तीसरा डेटा आएगा, तो अब मान लीजिए मेरे पास तीसरा डेटा आया, ये तो दो सीट का डेटा हो गया। ये फाइनल सीट हमेशा इस तरह का रहेगा मेरा, ये एक ही सीट पे किया, अब इसको अलग अलग सीट पे कर सकते हैं। अब मेरे पास मान लीजिए तीसरा डेटा आया, यहाँ पे D3 डेटा आया। अब D3 में मैं एक बार हेडिंग वही रखता हूँ सेम, और यहाँ पे करता हूँ पेस्ट, और ये आपका 31 है, 32 से शुरू करता हूँ, 32, 32, 33, इन दोनों को सेलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया, 45 का डेटा आया। नाम में भी ओम डाल दिया, और क्वांटिटी के लिए हमने यहाँ पे रेंज डाल दिया। ये डेटा हमने तैयार कर दिया, अपना तीसरा डेटा हमने इसको तैयार कर दिया। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई, यहाँ पे ए बी होना चाहिए था ना, इसको सेलेक्ट करके इसी के ऊपर वैल्यू पेस्ट, और यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट करके एंड इन इन्वर्टर कॉमा में स्लैश ए कर देता हूँ। हालांकि ओरिजिनल डेटा कुछ और था, लेकिन क्या है कि हम यूट्यूब पे किसी भी स्टूडेंट का ओरिजिनल डेटा शेयर नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा किया। अब यहाँ हम कुछ और करते हैं, जैसे कि 16 स्लैश B कर देते हैं, 20 स्लैश B, और 31 स्लैश B। अब तीसरा डेटा आ गया, अब मुझे इस डेटा को कंबाइन करना है यहाँ पे, और लेकिन सिर्फ बी वाले को करना है, ए वाला अगर बी, ए और बी दोनों है डुप्लीकेट है, तो सिर्फ बी को करना है, ए को नहीं करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद
डेटा में जाएंगे। डेटा में जाने के बाद यहाँ अगर फाइल आपका है तो फ्रॉम फाइल कर लीजिए, अगर अलग फाइल आती है लेकिन फाइल का फॉर्मेट सेम होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर सीट पे डाल दिए तो यहाँ आप आइए अपेंड में, मोर देन 3 सीट्स, तो पहले आप अपेंड वाले को ऊपर करें और ये टेबल, नहीं मैं गलत कर दिया, गलत कर दिया, पहले तो मर्ज करना, ये करना है ना, इंसर्ट करना है ना, फ्रॉम डेटा टेबल पे करना है। और यहां हमें लोड एंड क्लोज टू या ओनली क्रिएट कनेक्शन, तीसरा डेटा भी आ गया। अब यहां राइट क्लिक करके इसको एडिट करना है, अपेंड को, तो मुझे टेबल 5 ऐड करना है। यहीं पे जो डेटा आपका दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा ना, टेबल कंबाइन, टेबल 1, टेबल 2, इसी में फिर आप टेबल 3 या फिर कुछ और नाम रखे हुए हैं तो नाम डाल दीजिए कि टेबल 5, एंटर प्रेस करें तो यहाँ टेबल 5 का भी डेटा 45A, 45B आ गया। देन लोड एंड क्लोज, लोड एंड क्लोज जैसे ही आप करेंगे, ये देखिए 44 रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। लेकिन मेरा जो यूनिक फॉर्मूला था उसमें हमने 3 दिया हुआ था, तो एक बड़ा सा संख्या दे दीजिए, जैसे 3, ज्यादा मत दीजिएगा वरना फिर हैंग करेगा। एक संभावित कि मेरा 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 डेटा है, तो मैंने मान लीजिए 100 कर देता हूँ कि मेरे पास 100 डेटा रहते हैं या 1,000 रहते हैं। एक संभावित आप यहाँ पे लोकेशन डाल दीजिए, क्योंकि एरे लगा हुआ है, इसे ज़्यादा डालेंगे तो हैंग होने के चांसेस है, तो आप संभावित जो आपका एरिया होगा वही डालेंगे तो बेटर रहेगा। एंटर प्रेस कीजिए, आप देखेंगे कि यूनिक यहाँ पे आपके सामने आ गया। बस इस बार क्या करना है, 45 नीचे एरे क्यों आया, A1 से 100, यहाँ A2 कर देता हूँ, A2 से, अच्छा वो एक 100 के कारण ब्लैंक आया आपके पास, होगा एक आएगा नीचे ब्लैंक, क्योंकि वो ब्लैंक मिल जाता है ना इसलिए एरर देता है। और फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए आप, सिंपल सा आपका डेटा आ गया है। या पहले से इफ एरर लगा के ड्रैग रखिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे डेटा तो चौथा आएगा, अगेन आप वही करेंगे, कंबाइन में जाके टेबल का नंबर बढ़ाएंगे और ये आपका ऑटोमेटिक आता रहेगा। अब आप चाहेंगे कि सर ये तो थोड़ा सा लंदी हो गया, मैं एक बटन पे क्लिक करूँ सारा अपने आप हो जाए, तो उसके लिए करना पड़ेगा वीवीए प्रोग्रामिंग, वीवीए प्रोग्रामिंग लिखनी पड़ेगी, वो हम आपको कोई और वीडियो में बताएंगे। फिलहाल के लिए थैंक्स।